So, apa namanya itu lagi? Di mana apa? Sekiranya dia pukul tenda, sistem kita ya, kan? Jadi, jadi K1, K2, nah pemainnya lagi. A, point C, point B. इतने चार्ज का रहता है क्या बोलते हैं? इतने चार्ज का टेंथ रेशियो पार माइनस से पूर्ण, ठीक? माइनस से पूर्ण. इतने क्या नहीं? चार्ज टेंथ पार प्लस से एक्सेस के बना पाऊं, एक्सेस के नाम 0.05 मीटर, एक्सेस के बना 0.05 मीटर, एक्सेस के बना चार्जेस के कितना डिस्टेंस है का 0.1 मीटर. तो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करो, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point A, B and C. Calculate करते हैं अपन. पहले A point लेते हैं. A distance given है. A भी 0.0 found. This is N. पहले B के calculate करते हैं. और देखो, B के चार्ज कितने पहले एक P1 गया था, एक P2 गया. इतने याद नहीं है. इतने याद नहीं है. जैसा मैं calculate करने लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितने के पाइंट आ रही है? At A, B, C. तो पहला पॉइंट B से डालते हैं, ठीक? B से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है B. और B के ऊपर हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फाइंड करनी है. सब तो बेसिक कॉन्सेप्ट है अपना. एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है? टेस्ट चार्ज प्लस मान लो, यूनिट चार्ज ले लो, क्यू नॉट ले लो, क्यू नॉट. और ये ऊपर फोर्स कौन वाला करेगा? एक कह रहा है कि क्यूमन का. तो ये लगा के हम ए प्लस का ए प्लस से है दोनों में. किधर उन लगाया गया क्या फोर्स? पहले ऊपर किधर उन लगाया गया फोर्स? इधर ए ई ई वन बी लेते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू फर्स्ट चार्ज है. ये भी कितना होगा? आएगा ये दो होगा, तीन होगा कि क्योंकि वो भी पॉजिटिव है, मैं भी पॉजिटिव हूं. बी टू बी वेक्टर, ठीक है? दोनों ही डायरेक्शन आ गया अपने को. पहले तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लगता है होगा? ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ड्यू टू सेकंड एट पॉइंट बी. अरे तो ये हमें कोई नहीं करना. अरे ये सिंपल है ना, ये मैग्नीट्यूड फाइंड कराएंगे. E1 में E2 भी है, फिर वेक्टर लॉ लगा के, वेक्टर डिवीजन वाला लॉ लगा के, फिर ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी फाइंड करना. मैं एक बार कैलकुलेट करके जाऊंगा, बाकी वाला तुम ही आप खुद करोगे. E1 मैग्नीट्यूड लग रहा है. अब पता है कि देखो ना, E का फॉर्मूला कितना अपन 1/4 सोर्स चार्ज ओवर आर स्केल मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला. और सोर्स चार्ज कितने है? पहला एरर वेक्टर फाइंड करना है. एस पॉइंट पे पहला एरर वेक्टर फाइंड करना है E का. तो सोर्स चार्ज कितना अपना 10^-8/4 कितना डिस्टेंस है ना इसके?
से ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस के नाम है देखो क्या क्या सोर्स का इतना डिस्टेंस इतना तिनार को ऐड करो ऐड डिस्टेंस प्लस ऐड डिस्टेंस प्लस ऐड डिस्टेंस कितना आ जाएगा 0.1 प्लस 0.05 कितना आ जाएगा 0.1 तक आ जाएगा ठीक है एरी वैल्यू पता एरी वैल्यू के लिए 9 × 10^9 तो इन लोग मैंने तेरी डायग्राम बना दूँ बाकी तुम्हें पॉइंट जैसे ए से सी पे तुम्हें अपने कोड का अपडेट करो स्किनी आ जाएगी वैल्यू वैल्यू तुम्हें पुट का अभी बोलते हैं मैं लिखते हैं ना दोनों ही डायरेक्शन के ठीक है तो दोनों ही सेम है दोनों से नहीं चलो 0 डिग्री तो अपन वेक्टर लॉ कितना है अपना अंडर रूट e1 b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ab cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन है cos 0 डिग्री ठीक है जी cos 0 डिग्री कितना था 1 तो इधर 1 ऐड किया गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर तो स्केयर ऊपर पर चल जाएगी ये जाएगा सिंपली b1 b प्लस b2 b यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट b वेल इसको बता दो नेक्स्ट कंसेप्ट है क्या अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू आपने को दो चार्ज दिए होंगे प्लस के हो माइनस के हो कितने डिस्टेंस के होंगे 2a डिस्टेंस के होंगे ठीक है मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होएगा बट क्लैरिटी क्या होगी एक दूसरे के ऑपोजिट होएगी कितने डिस्टेंस के होंगे 2a डिस्टेंस के होंगे ठीक है जी इनको कहते हैं अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल जिन्होंने अपन लिखना हुई इलेक्ट्रिक डाइपोल ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल इट इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटर बाय ए डिस्टेंस टू ठीक है जी इधर ऐसा ही होता नेक्स्ट क्या आता है डायपोल डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਮੈਂਟ ਦਾ ਵਗਿਆ ਨਾ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀ ਕਿਹਦੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਿਊ ਇਨਟੂ 2a ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਮੈਂਟ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਮੈਂਟ ਦਾ v
which measure the strength of dipole. ठीक है, इनको जमा के इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल. ए डाइपोल स्ट्रेंथ मेजर करता है, स्पिनिंग स्ट्रेंथ एक डाइपोल. देखिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी नाल रोटेट है, स्मॉल पी नाल वेक्टर क्वांटिटी है, ये कहिए वेक्टर क्वांटिटी. ये एसआई यूनिट क्या है भाई? एसआई यूनिट चार्ज है, चार्ज का जब कितना कूलम टू वे है क्या डिस्टेंस जैसे ना क्या नाली मीटर, ठीक है कूलम मीटर. तो ये अपन डायरेक्शन लेते हैं फ्रॉम माइनस के टू के, डायगोनल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी, डायगोनल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव. डायरेक्शन की नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज तो डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन. तो नेक्स्ट अपन की करने जा रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे ड्यू टू डाइपोल. बड़ा सोखा न्यूमेरिकल अपन कर चुके हैं, उसके नाम दे न्यूमेरिकल इधर है ना फील्ड का. नेक्स्ट अपना आर्टिकल लगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सल लाइन टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. बहुत इजी आर्टिकल है, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी तुम एनी कैरी करते हैं मेरे लिए चौड़ी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पास अलोंग एक्सिस लाइन फाइंड करनी है डाइपोल. डाइपोल क्या है आपका? एक माइनस के ऊपर चार्ज होगा, एक प्लस का होगा. कितना सेपरेटेड होगा कैरी से? टू वे है, टू वे डिस्टेंस होगा. मान लो ये सेंटर है आपको, ठीक है जी. इनको पॉइंट ला लेते हैं आप ए, इनको ला लेते हैं पॉइंट एक्सल लाइन. इतने फाइंड करते हैं एक्सल लाइन पे, इधर पैरेलल फाइंड करना सेम लाइन पे जो जॉइंट करने का आदेश है वो कहने का एक्सल लाइन. इतने टेस्ट चार्ज का फाइंड करना क्यों करो एडिशन से या इधर सेंटर को लेके एक तक का डिस्टेंस की ला लेने ना. हां फिर डिस्टेंस ला लेते हैं अपन हाई डिस्टेंस r, ऐड ओवर डिस्टेंस 2 वे है, ठीक है जी. यहां डिस्टेंस कितना आ जाएगा ए, हैव डिस्टेंस कितना आ जाएगा ए, ठीक है. हम सेम उसे तरह आप की फाइंड करना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द एक्सल लाइन. आ देखो इधर का वो फाइंड है, इधर का सेम का कोई चक्कर नहीं, इधर फाइंड करेंगे. तो क्या आ जाता है अपन इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका बेसिक फॉर्मूला की है अपन क्या कर सकते हैं ना, इक्वल टू 1/4πε0 सोर्स चार्ज ओवर r स्क्वायर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, ठीक है. डायरेक्शन वगैरह अपना इस बात फाइंड करा के कितनों आ गई है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बात फाइंड करना पहला पहले पहले दूरी दूरी फाइंड करा के. सो ये बेसिक फॉर्मूला तो याद है करना, ठीक है. हम देखो ए प्लस ना आप देखो बंद करो एस प्लस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर टेस्ट चार्ज के ऊपर एस फोर्स चार्ज किधर हो रहा है? इधर हो रहा है जिधर फोर्स उधर की डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E A और S चार्ज के ऊपर S चार्ज कितनी फोर्स लगाएगा, कितने फोर्स लगाएगा क्योंकि दोनों सेम है प्लस प्लस कितने को लगाएगा इधर को लगाएगा और इधर फोर्स लगा रहा है इधर की डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई इधर में अपनी ये एक कितने आ गई इधर एक इधर में दोनों जगह कितना एंगल हो गया हमको एक दूसरे वर्टिकली ओपोजिट कितना कितना एंगल हो गया थीटा 180 डिग्री. सो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ रही है
एडिशन आप किएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. cos थीटा कितना है 180 डिग्री. 180 डिग्री वैल्यू का मतलब कितना है माइनस 1 व्हिच पुट करोगे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ba. देखिए जब फार्मूला पढ़ गया ए माइनस बी को स्क्वायर ये घटा जाएगा क्या आएगा ए माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कॉमन
स्केल का ये एलसीएम के नाम आर माइनस बी स्केल और लेके चलना कितना आएगा टोटल आंसर मैगनीट्यूड कितना आएगा टू पॉइंट फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू ए इनटू टू आर ओवर आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक ना अब ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर सी को स्क्वायर करो इन तरह का करने को मेरा ए प्लस ए माइनस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ये मैंने क्या है सॉल्व कर लो अब के में टू ए माइनस लेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मान लो जरा का डिस्टेंस है ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आ गई ठीक है माइनस के से प्लस के होगी ना ठीक है यहां पे सिस्टम कितना है 2 है इधर एक्शन देख लो सेंटर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी मैथ अपनी इधर आ गई डाइपोल मोमेंट भी कितने ही अपन डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव टू पॉजिटिव तो इधर देखिए देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या है यार उसी डायरेक्शन की है यार सेम एज डाइपोल मोमेंट यहां देख सकते हैं ये लॉन्ग का डायरेक्शन इज लॉन्ग डाइपोल और स्पेशल केस का लेके अपन मान लो ए जरा डिस्टेंस है ना मेरे डाइप का चार्जेस इलेक्ट्रिक माइनस q प्लस के ये बहुत कम था एज कंपेयर टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट एज कंपेयर टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट मतलब बार बहुत कम है एज कंपेयर टू मैक्सिमम उदो की है स्पेशल केस का लेना अपन कितना आएगा टू ए लेस देन आर हम ए भी देखो ए बहुत छोटा यदि वैल्यू बहुत ज्यादा तो गेम ओवर की कर सकते हैं इसे स्केयर की ऊपर ठीक है इसे स्केयर तो गेम ओवर की कर सकते हैं एनु की करता है गेम एनु निकाल नहीं देखो क्योंकि दी वैल्यू बड़ी स्मॉल है इसको देखो आप कि अरे आप आंसर एक्चुअली में p into 2r over 4 by epsilon naught r square ये तो भी ऊपर किया यानी square कि अरे r power 4 एक आ जाएगा कट जाएगा कि अरे 2p over 4 by epsilon naught r के ये उन्होंने जो है 2a is very very smaller than r is much much greater than 2 ठीक है तो डाइपोल का डिस्टेंस बहुत कम कट है एज कंपेयर टू ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट आर्टिकल है अपना इक्वेटोरियल लाइन सेम इसी तरह है कोई वजह कोई ए प्रॉब्लम नहीं है सेम इसी तरह है नेक्स्ट आर्टिकल के लिए अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऑन इक्विटोरियल लाइन इक्विटोरियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी देखो
माइनस एओ प्लस ए, इन एडिशन था टू इक्विटोरियल मींस इन द सेंटर ऑफ द एंगल सेंटर मान लो कि ओ है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इट इज सेंटर ऑफ इट एक एक दे रहा कितने भी एडिशन ला रहे हैं यहां पर कितना है ठीक है एडिशन कितना है आर एफ वन कितना करेंगे आप फिर बहुत ईजी है कोई प्रॉब्लम वाली गल नहीं हैगी देखो ये करके इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फाइंड करनी है एक पॉइंट फाइंड करनी है और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी किधर किधर करके एक माइनस क्यू जाके एक प्लस क्यू जाके कोई दो सात दो चार अपने को सो इतने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फाइंड करने से तो बिना की करोगे इतने की रखा गया टेस्ट क्या क्यों नो टेस्ट याद रखता सो हम ये पहला देखते हैं इन ज्वाइन करो इन लाइन में इतने ज्वाइन करो ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਗਾ ਇਦੋਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪਲੱਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਲੱਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਗਾ ਇਦੋਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਇਧਰ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਈ ਏ ਦਾ ਤੇ ਈ ਬੀ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਈ ਬੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਸੇ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਈ ਬੀ ਐਸੇ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਈ ਏ ਸੇਮ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡੈਂਸਿਟੀ ਈ ਬੀ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਫਾਈਂਡ ਸੇਮ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਆ ਟੋਟਲ 2 ਹੈ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਐਡ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਸੋ ਈ ਜੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ 1.45 ਸੋ ਸਿਆ ਲਿਖ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਨਟੂ ਕਿਊ ਓਵਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਊ ਕੋਮ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਈ ਸਕੁਅਰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸੇਮ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲਈਏ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗੀ माइनस क्यू प्लस क्यू इतने फाइंड कर रहे हैं अपन ए बी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कैसे आ रही ई बी ई ए ਕਿਉਂਕਿ
है दोनों डिस्कस किया गया इक्वलाइजी वैल्यू नहीं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर से एक ही ट्रायंगल होगी पूरी ट्रायंगल के लिए भी आर स्क्वायर प्लस ट्रायंगल आर दोनों साइड इक्वल ये साइड एंगल होगी यानी दोनों जो होते हैं एंगल भी होंगे इक्वल होंगे सो इधर देखो सबको पहले सबसे पहले लाइन ड्रॉ की थी ए लाइन के लिए पैरेलल है पहले पैरेलल ठीक है जी हुन तुसीं कीता है कि आप देखो मैं इसे सेपरेटली बना देना दो पैरेलल लाइन है उन्होंने एक तीसरी लाइन कट कर रही है आ रहा है ए के लिए क्लोज है ए के लिए क्लोज है इनका क्या एंगल देना अपन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आ लो आ एंगल आ एंगल तो आ एंगल क्योंकि आ लाइन के पैरेलल आ कट कर रही है आ एंगल जो थीटा है ए कितना आएगा थीटा आएगा कितना आएगा थीटा हुन अगला देखो हुन आ एंगल देखो आ लाइन ये एकदम ठीक है आ एंगल तो आ एंगल ये एंगल है कॉरस्पोंडिंग एंगल तो आ एंगल थीटा वा यानी क्या होएगा थीटा ओके आ लाइन ये पैरेलल आ कट कर दी ये आ एंगल थीटा तो एंगल कितना होएगा थीटा होगा कंपोनेंट बना लेते हैं अपन कंपोनेंट कितना आएगा सारा कंपोनेंट कितना आएगा इधर ऊपर होगा आएगा ई बी साइन थीटा इधर क्या आएगा ई बी कॉस थीटा पहला इधर हूँ एक इधर हूँ बनेगा एक इधर इधर हूँ बनेगा इधर मेरा कितना आएगा ई ए साइन थीटा इधर मेरा आएगा इधर ई ए कॉस थीटा हम देखो ई ए ते ई बी दोनों सेम हैं ई ए ई बी दोनों सेम हैं थीटा भी सेम हैं ये दोनों क्यों रह गए कैंसिल हो गए सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी किधर होएगी इधर नो होएगी इधर नो नेट डायपोल मोमेंट देखिए तो कितनी अट्रैक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव डायपोल मोमेंट की अट्रैक्शन कितनी है सो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी नेट आएगी डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इज ऑपोजिट टू द डायपोल ठीक है जी डायरेक्शन ऑफ डायपोल नेट आपको फाइंड करना है नेट के लिए क्या क्या फील्ड एनर्जी है ऐप तो कैंसिल हो गए कितनी आ गई ई बी कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा तुम पता ई ए के लिए बोला ई बी देयर तो ये मैं ई लिखना चाहता हूं यू ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा कितना आ गया मेरे को 2 ई ए कॉस कॉस थीटा वैल्यू भाई तो फाइंड करना है व्हाट टाइम लगाना है ठीक ए राइट एंगल ट्रायंगल कॉस थीटा का मतलब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बेस ए है हाइपोटेन्यूज के ना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये कोड कर देना हां ये ले ई की वैल्यू का पता कर लीजिए इन रेक्सर का ना अंडर रूट का पावर 1 ओवर 2 ठीक है सो है कि माने आप ये ओवर 2 हो गई ओवर 4 का ये सर मान आ गया आर स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर की पावर 3 बाय 2 ठीक है ये वैल्यू के ओवर 2 है डायपोल तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी आ गई पी ओवर 4 बाय एप्सिलॉन आर स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर पावर 3 बाय 2 तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी रिएक्शन की हुई थी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है तो मार गया बाय टू मोमेंट इधर हो गया नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज है उधर ऑपोजिट आ गया तो इधर कितना इस रिएक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਰ ਖੇਡਣਾ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਰ ਆਰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਕਿਊਟ ਐਡਸ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੀ ਪੌਨ ਫੋਰ ਪਾਈ ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਪਾਵਰ ਆਫ 10 ਬਾਈ 2 2 ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਕੀ ਆਉਣਾ ਮੇਰਾ ਪੀ ਪੌਨ ਫੋਰ ਪਾਈ ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ ਆਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡੈਂਸਿਟੀ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਡਾਇਪੋਲ ਇਕੁਇਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨ ਟੈਂਸਿਟੀ ਥੈਂਕ ਯੂ